अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आज की एक और गर्मा गर्म डेली टेक न्यूज़ के अंदर। आज की भी टेक न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है हॉनर प्ले 9A के बारे में। इसके कुछ लीक्स और इसका डिज़ाइन वगैरह निकल कर आ चुका है। ये आपको बजट फ़ोन देखने को मिलने वाला है, लो मिड रेंज फ़ोन है ये, जो कि सक्सेसर है इसका जो पिछले साल फ़ोन हुआ था लॉन्च ऑनर प्ले 8A के नाम से। तो इसके दो वेरिएंट लॉन्च होने जा रहे हैं, 4GB 64GB और 4GB 128GB में फ़ोन देखने को मिल सकता है। इधर चिपसेट इस फ़ोन में जो यूज़ में लिया गया है मीडिया टेक का है, P35 5000mAh की बैटरी हो सकती है। बैक पर डबल कैमरा मिलेगा आपको 13 MP और 2 MP का। दोनों कैमरेज के दरमियान आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। फ्रंट पे 8 MP का कैमरा मिलेगा। 6.3 इंच का IPS डिस्प्ले दिया जाएगा इस फोन में। फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक पे मिल जाएगा। तो इसके लीक्स और डिजाइन आप देख सकते हैं जो कि अभी लीक हो चुके हैं। अगली जो न्यूज है वो आज की टेक न्यूज की गर्मा गर्म टेक न्यूज है, वो है Xiaomi, जो कि तीसरे नंबर पे आ चुका है ग्लोबली जो कि फ़ोन सेल होती हैं। सैमसंग ने अभी जो 2020 फरवरी में ये लिस्ट आई है मंथली लिस्ट, जिधर 18.2 मिलियन यूनिट सेल करने के बाद फर्स्ट नंबर पर आया, एप्पल 10.2 यूनिट सेल करने के बाद सेकंड नंबर पर, और Xiaomi 6 मिलियन यूनिट सेल करने के बाद तीसरे नंबर पर आ चुका है। Huawei 5.5 मिलियन यूनिट सेल किए हैं और पिछला जो मंथ गुजरा है जनवरी का उसमें ये तीसरे नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा था, अभी ये फोर्थ नंबर पर आ चुका है। ओप्पो 5वें नंबर पर है और छठे नंबर पर वीवो है, जो कि 3.6 यूनिट सेल किए हैं। ओप्पो ने 4.0 मिलियन यूनिट सेल किए हैं। तो Xiaomi तीसरे नंबर पर आ चुका है। Huawei इसलिए भी फोर्थ पर आ गया क्योंकि इसकी गूगल सर्विसेज बंद हैं, इसी वजह से इसके थोड़े से स्मार्टफोन वैसे भी कम सेल हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबली ये मार्केट लेता जा रहा है। अभी इसका P40 सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च होंगे तो ये मार्केट ले जाएगा काफ़ी ज़्यादा। मार्च में कुछ डिफरेंट हो सकता है, ये दूसरे नंबर पर भी आ सकता है। इसके बाद जो न्यूज़ आ रही है वो Huawei के फ़ोन के बारे में। Huawei P40 और P40 सीरीज लॉन्च होने जा रही है जल्दी 26 मार्च को। जे अभी जो इधर रेंडर्स निकल कर आ रहे हैं 26 मार्च को जे लॉन्च किए जाएंगे। पहले ये यूरोप में जा सकते हैं। इधर पैनल वगैरह आप देख सकते हैं, एज स्क्रीन होगी, आपको बेजल लेस फोन देखने को जे मिल सकता है। जो इसका P40 फ़ोन है उसमें आपको डुअल कैमरा और इसका जो प्रीमियम एडिशन है उसमें ट्रिपल कैमरा जो कि फर्स्ट बार यूज़ किया जाएगा वो देखने को मिलेगा, और जितने भी इसके बैक पे पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा वो सभी लेंस सोनी के IMX700 सीरीज़ के लेटेस्ट यूज़ किए गए हैं। तो ये फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है, देखते हैं किस प्राइस के साथ ये लॉन्च होता है। जैसे ही लॉन्च होगा इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगली न्यूज़ है वो आ रही है एप्पल की जानब से। तो जो आईफोन लवर हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आईफोन 12 का कंसेप्ट डिज़ाइन सामने निकल कर आ चुका है। देखने में ऐसा फ़ोन हो चुका है, वैसे भी इसकी स्पेसिफिकेशन जो एक्सपेक्ट की जा रही है, आपको इस फ़ोन के अंदर iOS 14 जो कि लेटेस्ट होगा, अभी 13 जो कि आईफोन 11 प्रो में आपको देखने को मिलता है iOS 13, अभी नेक्स्ट 14 आपको देखने को मिलेगा, और चिपसेट भी इधर कुछ डिफरेंट होने वाला है। चिपसेट होगा इधर A14 बायोनिक प्रोसेसर हो सकता है, यानी कि इससे लेटेस्ट होगा। और अभी तक जो ज़्यादा थंडिक लीक है इसका डिज़ाइन वगैरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस तरह का हो सकता है। बेजलस ये फ़ोन होगा और 5G फ़ोन काफ़ी अच्छे मॉडम के साथ आएगा, तो इसका आप कंसेप्ट देख सकते हैं। अगर आपको आज की टेक न्यूज़ अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।